तो पेट्स के साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, जिसमें से आई थिंक दो चार चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए बिफोर गेटिंग अ पेट होम। आई थिंक फर्स्ट तो ये है कि आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ टाइम है, आप उनको एक डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो, अटेंशन दे सकते हो। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल रिकमेंड टू एवरी पेट पेरेंट, चाहे वो डॉग हो कोई भी पेट हो, उसको पूरा टाइम और अटेंशन आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेट घर पर लेकर आइए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आई थिंक इज़ टू अंडरस्टैंड वॉट दे आर ट्राइंग टू से विदाउट देम आस्किंग फॉर इट, यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बात तो कर नहीं सकते और बहुत कम बार है कि एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, मतलब ये पढ़े रहेंगे। सिम्बा और शेरू के यूजुअली केस में ऐसा होता है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि शांति से पढ़े थे, हम नहीं समझ पाए, बट थोड़ी देर बाद हमको समझ में आया कि ये नॉर्मल से कुछ अलग हो रहा है। तो हमने जब चेक किया सब देखा तो उसका पेट ख़राब था, दो बार सिम्बा के साथ ऐसा हो चुका है। और थर्ड मैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि उनके ऑब्वियसली फिक्स टाइमिंग्स होते हैं वॉक पे जाने के लिए, है ना, तो उस टाइमिंग के बियॉन्ड अलग होके, मतलब वो टाइमिंग को छोड़कर और टाइम पूरे दिन में अगर वो कभी भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको उसको सुसु या पॉटी आई है, आपको लेकर जाना है, तो यू मस्ट लिसन टू दिस साइंस। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है सिम्बा के साथ भी और शेरू के साथ में भी कि इनका टाइम नहीं हुआ है, बट बिफोर दैट और आफ्टर दैट समटाइम्स ऐसा होता है कि इनको जाने की ज़रूरत पड़ती है। हम इंसान हैं, हमारा भी किसी टाइम पेट ख़राब होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसी टाइम स्पेसिफिकली हमको यू नो मोशंस हो या कुछ हो। तो ये पेट्स है और ये बिल्कुल इंडिकेट करते हैं, दे आर प्रॉपरली ट्रेंड, दे गिव यू इंडिकेशंस। तो अगर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको इस तरह से कुछ जाना है बाहर, तो यू मस्ट टेक देम, नो No matter how busy you are, no matter how, मतलब in what mood you are, you have to take them for a walk whenever they indicate something unusual. और I think उसके बाद एक बहुत important चीज़ ये है कि pet लेकर आना जितना आसान है, उतना आसान उनको संभालना नहीं होता है। Because अभी के जो time चल रहा है, हमारे घर की जो situation अभी चल रही है, मेरी सासू माँ आई हुई है, शी विल बी गोइंग थ्रू एन ऑपरेशन वेरी सून, सो उनके मेडिकेशंस चल रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। माई मदर शी हैज़ गॉट वेरी स्टबन इन्फेक्शन इन हर थ्रोट, आई हैव टॉन्सिलाइटिस एंड ईयर एक, जीव हैज़ कोल्ड, एवरी वन इज़ गोइंग थ्रू सम मेडिकल कंडीशंस, एंड बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस उनके ऊपर का जो टाइम है, उनके जो वॉक के टाइमिंग्स है, उनका जो अटेंशन है, वो उनको देना ही देना है, यू नो। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू रूल आउट, यू नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सुनने में शायद उतना इंपॉर्टेंट ना लगे, बट ये आपके साथ जब होगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये दो चार दिन की, पाँच महीने की ऐसे बात नहीं है, रिसेंटली जो हमारे साथ हुई है कि आप इन के रहते में ट्रैवल का जो प्लान्स है वो आप उतने इजीली नहीं बना सकते, मतलब आपको दिक्कतें आएंगी, इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती है अगर आप इनको छोड़कर जाओ, और लेकर जाने में हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो यू नीड टू कीप योर माइंडसेट सो मच, मतलब इतना क्लियर आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ट्रैवलिंग में आपको इश्यूज आएंगे, इसको आप घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, अनलेस एंड अनटिल आप थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, इसके साथ इश्यूज आ सकती है। हम चार दिन के लिए गए थे, पर चार दिन में आई टेल यू, सिम्बू शेरू जो है वो रह तो सही से रहे थे, उनको डेली मिलने भी कोई जा रहा था जो पहचान का था, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की आपकी जो आदत रहती है ना, उसको कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। सो इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर सिम्बा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है जल्दी से, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर हिम। तो उसके आने के बाद उसको हम पर वापस से ट्रस्ट गेन करने में भी टाइम लगा, और वो वहाँ पर था तो थोड़ा बहुत खाना खा रहा था पेट भरने के लिए, तो बाकी उसकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई, उसका वेट रिड्यूस हो गया है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर, एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपके पास कुछ महीनों तक रहेगा, एक हाथ साल रह लेगा, दो साल रह लेगा, और उसके बाद अगर आपको ये लगे कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे इसको दे देना है, या अब मुझे ये नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन अडॉप्ट, कोई ले भी लेगा, सब कुछ ठीक है, बट फॉर अस नाउ, जैसे ये दो साल हमारे साथ रह लिया है शेरा, सिम्बा तीन साल से हमारे साथ रहा, अभी हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना वो तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हम उनको रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उनके टैंट्रम्स कोई और इस तरह से सह पाएगा आफ्टर दिस एज,
बचपन से अगर रहते हैं तो उनके साथ घुल मिल जाते हैं, उतना वो लाड़ प्यार में यू नो अपने आप वो जो बॉन्ड है वो बन जाता है। बट 2-3 साल के बच्चे अगर आप किसी को दे रहे हो तो उस तरह का बॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि ईजिली बन सकता है। और बहुत मतलब ऐसे कोई मैजिकली कोई ऐसी फैमिली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे केस में आई डोंट थिंक मैं उनके गिव अप करने का सोच सकती हूँ। सो दीज आर द 5 things विच आई वॉन्ट एवरी वन हु इज़ थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ पेट और हैज़ अ पेट रिसेंटली में, आई थिंक दीज आर द थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। I'll give the points in the description also so that you can read it and analyze it and think over it and then take a decision, because pets rakhna is an extremely good thought, but ek sahi tarika, ek sahi pattern agar follow hota hai only then it is good. Otherwise you bring a pet and you are not able to take care jaisa hona chahiye waisa aapse nahi ho pa raha hai to aap bhi pareshan honge, wo bachcha bhi pareshan hoga. So it is important to understand all of these things and then take a decision. So that's what I wanted to say. Thank you very much.